अस्सलाम वालेकुम क्लास फाइव, दिस इज़ योर मैथ्स लेक्चर। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन एंड डूइंग वर्क ऑन योर डेली बेसिस। सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 3D, विच इज़ वेरी सिंपल, वेरी सेम विद द क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, बट आई हैव रिपीटेड दिस क्वेश्चन फॉर योर ईजीनेस। ओके, सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज 3D। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 3D, सिंप्लीफाई। So we have to simplify this question according to the board maths rule, ठीक है। तो हम कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं? हम कोई सा भी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम ये मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, बाकी तमाम सेम एज इट इज़ ही होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, वी हैव दिस क्वेश्चन, सो वी हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इन टू द सिंपल फ्रैक्शन। सो वट इज़ द मैथड converting? We have to just multiply the denominator with the whole number and then add the numerator in it. Okay, so now see, I'm directly yahan pe likhenge like 6 ones are 6 and then add 1. 6 ones are 6 plus 1 becomes 7 in the numerator, and the denominator will be same, 7 over 6. 6 ones are 6 and then add the numerator will which is the 1 here. So 6 plus 1 becomes 7 and the denominator will be same. And now 5 sevens are 35, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35 plus 1, 35 plus 1, 36, and this 5 in the denominator same. Clear? Now 25 multiply with 2, 25 ones are 25, 25 twos are 50, 50 plus 13, 50 plus 13 become 60, and then 3, 60, 3 over 25, clear? And minus 12 over 3, same as it is. 12, no, 3 ones are 3 plus 2, 5 over 3. क्योंकि ये भी mixed fraction है, यहाँ पे 1 है, ठीक है? 3 ones are 3 plus 2 becomes 5. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5, clear? Now move, now. कैन दिस कैंसल आउट विद दिस? सो देखते हैं क्या इसके साथ कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है? यस, ओबियसली दिस 6 विल बी कैंसल आउट विद दिस 36, बिकॉज इन द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमिनेटर ऑफ द सेकेंड फ्रैक्शन हैव द सेम फैक्टर। 6 वंस आर 6, 6 सिक्स आर 36. ओके, क्लियर? नाउ मूव, क्योंकि नेक्स्ट और कोई फैक्टर नहीं है, 5 7 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, हमने सिर्फ ब्रैकेट वाले पार्ट को फर्स्टली सॉल्व करना है। तो 7 सिक्स आर 42, एंड इन द डिनोमिनेटर विल 5 वन द 5। नाउ द डिवीजन साइन, ब्रैकेट को स्किप कर दिया, 63 ओवर 25, ओके, एंड नाउ ऑन द लास्ट 5 ओवर 3, क्लियर? नाउ सॉल्व द डिवीजन साइन, बिकॉज द डिवीजन इन द डिवीजन एंड द सब्ट्रैक्शन, डिवीजन साइन ऑब्वियसली विल बी सॉल्व एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स रूल। So 42 and 5, first fraction kept same as it is. Change this division sign into the multiplication and take the reciprocal of the next fraction, which is 63 over 25. So change 25 over 63, clear? And minus 5 over 3. Okay, now can we cancel? 5 ones are 5, 5 fives are 25. Can we cancel these two with any number like 7? 7 nines are 63. 7 sixes are 42, clear? Now 3 twos are 6, 3 threes are 9, clear? Next further cancel कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 आया लास्ट पे, यहाँ पे हमारे पास ये 5 है, इन द डिनोमिनेटर वी हैव दीज टू नंबर्स, सो 5 twos are, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो भी न्यूमिनेटर में बचता है हमारे पास, जो बाकी आता है न्यूमिनेटर में, मीन जो कैंसिल आउट नहीं हो सकता उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 twos are 10 and 3 ones are 3, and the next fraction 5 over 3 same as it is, clear? Now the denominator are the same, you can write into the single fraction like 3 and with the numerator with the given sign, so 10 minus 5 becomes 5 and the denominator will be 3. So 5 over 3 we can change into the mixed fraction, because okay, question hamara mixed fraction mein, to answer bhi mixed fraction mein likhenge. 5 over 3, can we write 1 एज अ होल नंबर एंड 2 ओवर 3 इन द प्लेस ऑफ, ठीक है? इसको हमने सॉल्व करने की ज़रूरत क्या है, आप इसको सॉल्व कर भी सकते हो, लाइक यहाँ पे है 3 वन ज़ा 3 एंड 2, ठीक है?
तो यहाँ पे क्योंकि हमने 5/3 इससे लिखा था 5/3 से, तो आंसर भी हमारे पास 5/3 है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, 1 एज अ होल नंबर एंड 2/3 क्लियर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होपफुली यू गेट इट स्टूडेंट। सो यू शुड सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स लाइक दिस, दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जस्ट यू हैव टू लर्न द टेबल वेरी वेल एंड लर्न दी मेथड ऑफ कैंसलिंग। ओके, कैंसल आउट कैसे करना है, कैंसल आउट मीन अप कोई भी टू टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो किसी भी दो टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई देखा है ये टू टर्म्स मल्टीप्लाई, तो आप किसी भी डिनोमिनेटर को किसी के न्यूमिनेटर से कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। सो ठीक है, शुक्रिया।